नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में दो मालगाड़ियों की टक्कर, दोनों गुड्स ट्रेनों के इंजन पलटे, रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। हरियाणा के पंचकुला से रेस्क्यू की खतरनाक तस्वीरें आई सामने, गग्घर नदी के तेज बहाव के चलते वही कार में सवार थी महिला, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। मनोज मंतशिर पर फिर बरसे मुकेश खन्ना, कहा मनोज ने हनुमान जी से टपोरी भाषा बुलवाई, क्या बजरंग बली ऐसे बात करते थे। अगस्त्या नदी के साथ नजर आए सुहाना खान, डेटिंग की खबरों के बीच एक साथ हुए स्पॉट, दोनों साथ में कर रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू। ब्रेकअप की अफवाहों के बीच साथ दिखे विजय रश्मिका, रेस्टोरेंट के अंदर हुए स्पॉट, सामने आए वीडियो। भोपाल में चलती बाइक पर स्टंट, वीआईपी रोड पर चलती बाइक के ऊपर स्टंट, वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही कार्रवाई। बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश बंद, जुलाई से सितंबर तक बंद रहेगा प्रवेश, सावन को लेकर लिया गया निर्णय। सीहोर में बीएचपी की जन जागरण यात्रा, विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन जागरूकता रैली, धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ अभियान। रीवा में लिपिक सहाय ग्रेड 3 महेंद्र प्रताप सिंह को जेल, आय से अधिक संपत्ति मामले में भेजा गया जेल, महेंद्र की पत्नी और बेटे को मिली जमानत। सत्ता में तेंदुए का आतंक, चरवाहे के घर में घुसा तेंदुआ, 18 भेड़ों को मार डाला, 15 भेड़ें घायल। भिंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 50 कांग्रेसी, लहार के कार्यकर्ताओं ने छोड़ी कांग्रेस। शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे पीएम। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी लगाएंगे चौपाल, महिला सशक्तिकरण की मिसाल है गांव, सरपंच उप सरपंच समेत 20 में से 13 महिला पंच। भोपाल में 76 महिला ठग का खुलासा, 30,000 की इनामी महिला को क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी दिल्ली में काट रही थी फरारी। जबलपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी, घर के भीतर फंदे से लटका मिला तीनों का शव, सुसाइड के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। राजगढ़ में कल से बाबा बागेश्वर की कथा, आज हजारों महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिन तक बहेगी भक्ति की धारा। दतिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत, सिविल लाइन में ट्रैफिक चौकी के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर किया स्वागत। भोपाल में नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन, दानिशनगर के रहवासियों ने लगाए घर के बाहर बैनर, लोगों से मटका बजाने की अपील की। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुए हिंदू संगठन, 30 जून से बीएचपी की मालवा प्रांत की 3 दिवसीय बैठक, लव जिहाद धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर होगा मंथन। सीहोर के बिरोंदा सीहोर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बेकाबू वाहन पलटने से 25 यात्री घायल, घायलों का इलाज भैरोंदा सिविल अस्पताल में जारी। पूर्व डीएसपी बीडी पांडे अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल, विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हैं हाथ, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के सामने ली सदस्यता। सत्ता में NH30 पर भीषण सड़क हादसा, नादनटोला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। इंदौर के महू इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से 25 गांव में दहशत, स्कूलों का बदला गया समय, ड्रोन से रखी जा रही शिकारी पर नजर। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेत में चलाया ट्रैक्टर, कहा किसानों के साथ खड़ी है सरकार। श्योपुर के विचगुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर की मारपीट। श्योपुर जमीन विवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, पीटने वाले दबंग को छोड़ पुलिस ने महिला और बेटी पर ही दर्ज कर दिया एफआईआर। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी, ट्वीट कर लिखा संविधान और लोकतंत्र का गला घोट कर आपातकाल लागू किया गया। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा, 27 जून को पीएम आ रहे हैं भोपाल।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम, डिजिटल रैली में सीधे जुड़ेंगे पार्टी वर्कर्स। पीएम मोदी के शहडोल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन, चंदिया की मशहूर सुराही का पिएंगे पानी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका स्वीकार की, ट्रस्ट ने एजी ऑफिस ओवरब्रिज की जमीन का मांगा 7 करोड़ मुआवजा, हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोरी कोली समाज के सम्मेलन में होंगी शामिल, समाज को साधने की होगी कोशिश। कर्नाटक के दमोह लव जिहाद में सामने आया तावीज कनेक्शन, पीड़ित लड़की ने हिंदू संगठनों से बातचीत में किया खुलासा, हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने पहनाई थी तावीज जिसमें उर्दू या अरबी में लिखी है भारत। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, दोनों गुड्स ट्रेनों के इंजन पलटे, रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को भारी नुकसान। बैतूल में निशा बांगरे ने घर के बाहर लगाया पूर्व डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड, प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का कटवाया बिजली कनेक्शन, बांगरे के घर पर जुटे सभी धर्म के धर्मगुरु। निशा बांगरी के आयोजन पर बड़ा खुलासा, आमला में सर्वधर्म शांति के नाम पर विदेशियों को दिया आमंत्रण, नहीं ली केंद्र सरकार से अनुमति। दतिया दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा पार्टी संगठन ग्रास रूट तक मजबूत, भाजपा का संघर्ष अद्भुत अकल्पनीय। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, शहडोल मंडला के रास्ते एमपी में मॉनसून की एंट्री, कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। दमोह में पहली बारिश में भी उफान पर नदी नाले, मडियातों के नाले को पार कर रहा बाइक सवार बहा, युवक की गदर नाक मौत। एमपी को मिले दोनों वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी, भोपाल से इंदौर जाने में अब लगेंगे सिर्फ 3 घंटे, 4.5 घंटे में ट्रेन पहुंचाएगी जबलपुर। इंदौर में गड्ढे में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत, खेले के दौरान पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी मासूम, नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का चल रहा था काम। भिंड शहर में अपराधियों के खिलाफ कॉम्बिंग गश्त, 10 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार, सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। जन सरोकारों के मुद्दे को लेकर भिंड में कांग्रेस ने निकाली रैली, अधिकारियों के नहीं आने पर कलेक्ट्रेट में जज्बा किया ज्ञापन, कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिवनी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 61 लाख की शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी आयुक्त के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बांकी मोगरा बनेगा नया नगर पालिका, कटकोरा विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, जल्द होगा निकाय का गठन। सूरजपुर के सतपता में बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में घुसा, हादसे में बाल बाल बचे लोग, घटना में 3 बाइक क्षतिग्रस्त। गरियाबंद के ग्राम सिहार में हाथी ने महिला को रौंदा, मौके पर मौत, घटना के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत, इलाके में हाई अलर्ट जारी। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। धमतरी जिले में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई, धमतरी अर्जुनिया और कुरूद में छापेमारी, 6 गिरफ्तार, 16,000 के साथ सट्टा पट्टी जब्त। कोरबा के सिंदरीपाली में बाइक पर हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग, बाइक सवार की जलकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा में एसईसीएल गेवरा आरएलएस से होगा सालाना 20 मिलियन टन कोयला डिस्पैच, कुसमुंडा में वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स का किया गया निर्माण, चेयरमैन ने किया वर्कशॉप का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम बघेल, बच्चों के दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर में कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज हुई चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कोशिश। सीजन की पहली बारिश ने खोली बिलासपुर नगर निगम की पोल, शहर के अधिकांश हिस्सों में भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा नालियों का पानी।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट, अगले 3 घंटे इन जिलों के लिए रहेगी भारी बारिश। बिलासपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू, मॉनसून की पहली बारिश से किसानों की जागी उम्मीदें, खेती किसानी के लिए राहत की बारिश। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, बिलासपुर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 24-48 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। दुर्ग शहर में लगातार बारिश से नहर नालों में भरा पानी, लोगों को गर्मी और उमस से मिली बड़ी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला, बदमाशों ने होटल में की तोड़फोड़।